And see, I'm starting from the question one. क्वेश्चन नंबर वन में था सिंपलीफाई द फॉलोइंग, मैंने सिंपलीफाई लिखा है। यहाँ पर देख सकते हो इसमें क्या करना है, माइनस टू बाई थ्री टू द पावर फाइव इंटू माइनस टू बाई थ्री टू द पावर सेवन। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होता है ए टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन, यानी कि दोनों का बेस सेम हो, है ना। ये देख रहे हैं दोनों का बेस सेम है और एक्सपोनेंट एम और एन जो है डिफरेंट है, तो ये क्या होता है कि एक बेस और उसके ऊपर में ये दोनों पावर जुट जाते हैं। तो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है जो कि पहले वाले यूट्यूब वीडियो में मैंने बनाया है, उससे आप समझिएगा। और इस तरह से इसकी लॉज से यहाँ पर माइनस टू बाई थ्री और माइनस टू बाई थ्री ये ए के जैसा है, जैसे यहाँ ये ए है वैसे ही यहाँ पर माइनस टू बाई थ्री माइनस टू बाई थ्री है, और ये पावर फाइव यहाँ और फाइव पावर सेवन यहाँ, तो ये दोनों पावर जुट जाएगा। तो सात और पाँच दोनों पावर जुटने के बाद माइनस टू बाई थ्री टू पावर वन हो जाएगा, जिस तरह से यहाँ पे ए का पावर हो जाता है। नेक्स्ट है सी नंबर, देखिए क्वेश्चन सब इजी ही है, तो मैं दो दो क्वेश्चन बना दिया हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। सी नंबर में पी का पावर 15 इंटू पी का पावर 21 इंटू क्यू का पावर 23 इंटू क्यू का पावर 14 ऐसा था। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि p का पावर जो है, देखिए दोनों p p है, जैसे हम लोग का यहाँ a एक कर जाता है, इसी का प्रयोग करते हुए हम लोगों ने यहाँ पे 15 और 21 दोनों को जोड़ दिया। यहाँ पे a एक की जगह पे p p है और पावर m और ये पावर m, तो a p का पावर हो गया m प्लस m, यानी कि 15 प्लस 21। यहाँ q q है, दोनों का पावर इस तरह से जुट जाएगा 23 प्लस 14, इस तरह से p टू द पावर 36 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 5 प्लस 1 6 एंड 2 प्लस 1 इज 3। सिमिलरली हियर q टू द पावर 23 प्लस 14 3 प्लस 4 इज 7 एंड 2 प्लस 1 इज 3। नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का ए में देखिए क्या है, इसमें हम लोग दूसरे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या है, a का पावर m डिवाइडेड बाई ए का पावर एन, तो हम लोग क्या करते हैं ए का पावर एम माइनस एन, ये लॉ होता है सेकेंड वाला, ये भी आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वीडियो में अच्छा से समझाया था। अब इससे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का ए बनाते हैं। देखिए यहाँ बी का पावर 12 था डिवाइडेड बाई बी का पावर 25 था, जिस तरह से यहाँ ए ए दोनों सेम है और जिस तरह से यहाँ माइनस किया उसी तरह से इसमें भी ए समझिए ए की जगह पे बी और बी है, तो बी का पावर 12 और माइनस 25 को घटाएंगे, तो देखिए 25 में से 12 घटाएंगे लेकिन बड़ा वाला साइन लगाएंगे, प्लस माइनस वाला वीडियो मैंने बनाया था, उसमें आप लोग देखिएगा ध्यान से, रंजन सर यूट्यूब चैनल खोलिएगा तो उसमें दिख जाएगा आपको कि पावर ये है, ये साइन यहाँ पर माइनस क्यों हुआ कैसे हुआ। तो माइनस साइन के लिए उसको आप देखिएगा दूसरा वीडियो मेरा जो बनाया हुआ है साइन के लिए। तो ये 25 में से 12 घटाए, 5 में से 2 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, और साइन बड़ा वाला लगाते हैं, बड़ा वाला 25 का 20 और इस तरह से हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे 12 का पावर 6 माइनस 6 है ना, यहाँ पे दोनों एक ही नंबर है, कोई बात नहीं, दोनों फिर भी घटेगा, जो रूल है उसी के अनुसार होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 माइनस 6 क्या हो गया, 12 का पावर 0 हो गया, और किसी भी चीज़ का पावर 0 होता है उसका आंसर 1 होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, किसी भी चीज़ का पावर 0 तो उसका मान 1, 12 का पावर यहाँ पे 0 किए तो इसका मान 1 कर दिया। नीचे में 24 का पावर 2 था, वो वैसे ही चलता गया, 24 का पावर 2। अब ये 24 का पावर 2 है, यानी कि 24 को दो बार मल्टीप्लाई करके लिखना है, यानी कि 24 × 24, मुझे टेबल याद था, तो 24 से मैंने 24 को किस तरह गुणा किया, देखिए 24 × 96 का 6 और कैरी हाथ में 9, 24 × 2 = 48 और 48 + 9 इज सॉरी 48 + 9 = 557, इस तरह से 576 इसका आंसर हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं, 3 का ए नंबर में, 3 का ए नंबर में देखिए क्या है, 3 टू द पावर 7 होल टू द पावर 8, पहले अंडर में पावर 7 है, उसके ऊपर पूरा होल का पावर 8, फिर उसी तरह से 9 टू द पावर 2 और होल टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 27 टू द पावर 5। तो इसको हम लोग कैसे करें, तो यहां पर देखिए, यहां पर पावर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक ऐसा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है, ए का पावर ए उसका होल टू द पावर n, तो इसका ए टू द पावर n इनटू m, इस तरह से ये जो होता है इसी लॉज का प्रयोग करके हमने यहां पे 7 और 8 दोनों को गुणा किया है, तो 7 8 का 56 हुआ, 3 इनटू 3 टू द पावर 56 यहां हुआ, 9 का पावर यहां पर भी दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए 4 और 2 को, तो 9 टू द पावर 8 हो गया, फिर उसी तरह से ये 27 और 27 को आप 5 में प्रोजेक्शन करेंगे तो 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9, 1 2 3 3 तो 3 आया 3, तो 3 टू द पावर 3 हम लोग लिखे और उसके ऊपर ये जो 27 का पावर 5 था वो होल पावर 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप में इसमें देखिए, इसमें 3 टू द पावर 56 इसको ऐसे जस्ट कट कर उतार दिए और ये 9 था तो 9 को आप 3 टू द पावर 2 लिख सकते हैं क्योंकि 3 3 का 9 होता है, तो इस तरह 3 का पावर 2 लिखते हैं और ये 8 ऊपर था तो ये होल टू द पावर 8 लिखे। अब उसी तरह से अब जिस तरह से ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था 2 इंटू 4 8 हुआ था, उसी तरह से 8 इंटू 2 16 हो गया पावर, यहाँ नीचे में यहाँ पर 3 इंटू 5 15 हो गया पावर। अब लॉस ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे, फर्स्ट में यूज किए थे ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन, है ना, उसी तरह से यहाँ पर देखिए क्या करेंगे कि 3 टू द पावर 56 प्लस 16 और ये नीचे में जो 3 टू द पावर 15 था दोनों पावर को ऐड करेंगे 3 टू द पावर 72 आएगा और नीचे में 3 टू द पावर 15 आएगा और इस तरह से यहाँ पर देखेंगे तो 3 टू द पावर 72 माइनस 15 कैसे हुआ, ये देखिए 72 यहाँ था और 3 का पावर 15 नीचे था, तो नीचे ये देखिए डिवाइड वाला नियम था ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन, तो ए का पावर एम माइनस एन उसी से हम लोग को यहाँ पे बना 72 माइनस 52 15 और इस तरह 3 टू द पावर 57 फाइनल आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट जैसा बताया कि ए का पावर 0 का मान 1 होता है, उसी तरह से यहाँ पे ए टू द पावर 0 प्लस 9 टू द पावर 0 माइनस 7 टू द पावर 0, सबका पावर 0 0 था, सबका मान 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 माइनस 1 तो ये 2 माइनस 1 इज 1, इस तरह से। अब सी नंबर थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, ये भी इजी था, इसमें क्या किया करना था, सब जो है गुणा में है, 3 का पावर देखिए सब ऐड हो जाएगा 5 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 5, है ना, इसको ऐड किया है और नीचे में भी 3 का पावर सब 3 3 3 सब सेम है इसलिए एक्सपोनेंट सब ऐड हो जाएगा 3 टू द पावर 6 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 4, ऐड करने के बाद 3 का पावर 19 ऊपर आया 3 का पावर 19 नीचे भी आया, तो 3 का पावर 19 माइनस 19 किए तो 3 का पावर 0 हो गया, तो किसी भी चीज़ का पावर 0 होता है तभी बताएं 1 होता है, इस तरह से इसका आंसर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में है माइनस 2 बाई 9 का पावर 3, है ना, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है कि रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना है, तो कुछ नहीं 9 को हम लोगों ने ऊपर कर दिया और माइनस साइन वैसे ही का वैसे लिया है, यहाँ पे ये माइनस साइन है इसको मत समझिएगा और 9 बाई 2 का पावर 3 हो गया। और इस तरह से सेकेंड सी नंबर में थोड़ा सा अलग जैसा लग रहा था, इसमें कुछ नहीं करना है, इस तरह से इसको नीचे से ऊपर करना है, उस तरह से ये लास्ट वाला को फर्स्ट फर्स्ट वाला को लास्ट कर देना है, देखिए 3 का पावर 4 का होल पावर 5 था, यहाँ पर 3 का पावर 2 और होल पावर 4 है, 3 का पावर 2 होल 4 ये वाला पहले यहाँ लिख दिए और यहाँ वाला को यहाँ लिख दिए, ये ऐसे टोकन बनाने का तरीका है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में सब इजी है, थोड़ा सा यही अलग जैसा लग रहा था, मैंने इसे बना दिया, देखिए माइनस 6 का पावर x इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू 2 टू द पावर 3, तब इसमें देखिए क्या है माइनस 6 का पावर x इज इक्वल टू माइनस 6 का पावर 3, अब ये दोनों बेस सेम है, देखिए बेस किसको कहते हैं, इसको नीचे वाले फर्स्ट क्लास में ही बताए थे, तो बेस दोनों का सेम है इसलिए एक्सपोनेंट भी इक्वल होगा, यानी
लिखे हैं वही बेस इज सेम सो एक्सपोनेंट इज आल्सो इक्वल सो एक्स इज इक्वल टू 3 इज द आंसर सो दिस इज फाइनल यू टू ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन थैंक यू फॉर टुडे लेट्स मीट इन अदर सेशन टुमारो श्री राम अभी तक स्टॉप